सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के 12 रूल्स बताए थे। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये भी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का एक सब टॉपिक है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसका एक सब टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। सबसे पहले इनकी पहचान, चार पहचान है। वी वन से प्रारंभ, जैसे राइट ए स्टोरी। अब राइट तो वी वन है, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। ये कोई टेंस के वाक्य तो होते नहीं है, इनमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कुछ आता नहीं है। तो राइट ए स्टोरी है कहानी लिखो, फुल स्टॉप। ये वाक्य ये पूरा हो गया। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार है, वी वन से प्रारंभ। अब इसमें एक और कंडीशन है, कई बार हो सकता है केवल वी वन आए, वी वन के बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं आए। तो अगर वी वन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये चिन्ह होगा, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये भी पूर्ण इम्परेटिव सेंटेंस है, राइट लिखो। दूसरा, डू नोट से। अगर कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो उसके जस्ट पहले डू नोट का प्रयोग होगा। तो राइट ए स्टोरी, डू नोट राइट ए स्टोरी, एक कहानी मत लिखो। तीसरी इसकी पहचान है लेट या लेट्स। लेट्स की फुल फॉर्म होती है लेट अस। ये भी एक स्ट्रक्चर है, इससे भी इम्परेटिव सेंटेंस प्रारंभ होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि लेट हिम राइट ए स्टोरी। अब लेट से प्रारंभ हो गया, यहां पर जो हिम आया ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, तो या तो इस जगह प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मिलेगी या कोई नाउन। और चौथा है प्लीज या काइंडली से। अब प्लीज और काइंडली तो निवेदन के प्रतीक है, प्लीज और काइंडली दोनों ही एडवर्ब्स होती हैं। तो अगर प्लीज या काइंडली से भी कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो वो इम्परेटिव होता है। तो प्लीज या काइंडली राइट ए स्टोरी, कृपया एक कहानी लिखो। तो इम्परेटिव सेंटेंस की ये चार पहचान है, वी वन से, डू नोट से, लेट या लेट्स और प्लीज या काइंडली से। अब ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का एक सब टॉपिक है, सब टॉपिक के रूप में इसको समझना है। तो इसके दो रूल है इम्परेटिव सेंटेंस। रूल वन, वाक्य का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से होना चाहिए। शुरू में प्लीज मिल जाए चाहे काइंडली मिल जाए, और ब्रेकेट में मिलेगा नॉट प्लस वी वन। कुछ भी मिल जाए, नॉट प्लस वी वन, कुछ भी वी वन, कोई भी वी वन, तो नॉट प्लस वी वन के पहले डू लगा देना है। तो ये जो डू नॉट कम अंडरलाइंड है ये आपने आंसर इसमें फिल किया है, तो प्लीज डू नॉट कम किया। तो फिर से समझेंगे कि पहली कंडीशन वाक्य का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से हो, दूसरी कंडीशन ब्रैकेट में मिले नॉट प्लस वी वन, तो आंसर पढ़ते समय नॉट प्लस वी वन के पहले डू का यूज करना है। इसके बाद में रूल टू। रूल टू में दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं। अब यदि आज्ञार्थक वाक्य के, यदि इम्परेटिव सेंटेंस के तुरंत बाद कोई दूसरा वाक्य प्रारंभ हो तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, डोंट गो देयर। इन चारों में से कोई सी भी एक पहचान आ सकती है। तो यदि आज्ञार्थक वाक्य के तुरंत बाद कोई दूसरा वाक्य प्रारंभ हो तो उस दूसरे वाक्य में एच वी इजारियम और एम वी में वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ही के साथ भरा गया है इज कमिंग, ही एक वचन करता है इसलिए इज, और कम का हो गया कमिंग, कम का अंतिम अक्षर ई है तो आई एन जी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। तो ये दो रूल है। तो मुझे आशा है इम्परेटिव सेंटेंस जो कि करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का एक सब टॉपिक है, इसकी चारों तो पहचान और दो जो रूल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, इन पर आधारित भी प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।